আলহামদুলিল্লাহ, আজ মসজিদ ইসমাইল আম্বারপেট কাজ মে ওয়াকবোর্ড কে পুরে আমার ওয়াকবোর্ড কে অথরাইজ অফিসার আমার টাস্কফোর্স টিম আমার ইন্সপেক্টর আর লোকাল কে ওয়াহ কে পুলিশ কে আলা অফিসার্স জিএচএমসি কে আর এন বি কে আর কন্ট্রাক্টার্স উন তমাম লোগোঁ কে সাথ আজ মে ওয়াহ পর মসজিদ কা জো ফ্লাইওভার কা কাম চল রহা হ্যায় উসকা মে আজ মুআয়েনা কিয়া হুঁ ক্যোঁকি বহুত পিছলে দো তিন দিন সে এক লোগোঁ কে বীচ মে কনফিউজন ক্রিয়েট হো রহা থা সোশ্যাল মিডিয়া কে জরিয়ে কে মসজিদ কো কুছ তোড়া যা রহা হ্যায় মসজিদ কা কুছ হিসসা মহন্দম কিয়া যা রহা হ্যায় ইয়ে ফ্লাইওভার কো ইসলিয়ে কই নুমাইন্দেগিয়াঁ মেরে পাস আয়ে হ্যায় কে মুসলিম অর্গানাইজেশনস কো লেকে কুছ পলিটিক্যাল পার্টিস কো লেকে কই আর মিডিয়াস কে জরিয়ে ভি আয়ে তো মে আজ খুদ মে পুরা তফসিলাত জাননে কে লিয়ে মে খুদ ফিল্ড পে গিয়া থা ওয়াহ পে তো ওয়াহ পর মসজিদ ইসমাইল জো হ্যায় ও ওয়াকফ কে তহত আতি হ্যায় উসকে নিগরানকার মুতাওয়াল্লি নিগরানকার হ্যায় দুসরে লোক উস হ্যায় ও তো ও লোক উনকা এক ফ্যামিলি ডিসপিউট হ্যায় ও অলগ অলগ চিচারে তায়ারে ভাই হ্যায় ও লোক উনকা কুছ আপনা আপস কে ডিসপিউট হ্যায় তো ওয়াহ পে দো তিন উনকে খানদান কে তিন চার মজারে হ্যায় তো ফ্লাইওভার সে মসজিদ কো কিসি কিসম কা নুকসান নাই হ্যায় মসজিদ সে পঁচিশ তকরিবন 20 to 25 feet দূর সে ও ফ্লাইওভার যা রহা হ্যায় ও উসসে মসজিদ কো কোই নুকসান নাই হ্যায় এক এক বহুত বহুত পুরানি খবর হ্যায় তো উসকে উপর সে ও লোক এক সিমেন্ট কা হিসো এক এক আর্চ কে এসা বানা দেকে উসকো উপর সে ফ্লাইওভার সে ও করে হ্যাঁ রহা মসজিদ কা মসলা ওয়াহ পর জো মেজর মসলা হ্যায় ये इशू जो आ रहा है सर्विस रोड को लेकर आ रहा है जो फ्लाईओवर के दो बाजू से जो रोड जाती है वो सर्विस रोड को लेकर आ रहा है उसमें उन्हीं हजरात में से उन्हीं वो तीन चार जो खान फैमिली के लोगों में से एक लोग कोर्ट को गए हैं तो उसमें कोर्ट का डायरेक्शन ये है वो लोग कोर्ट में जो लोग सब लोग अग्री किए हैं कि खबरस्तान खबर वगैरह को तो डिस्टर्ब ना होते हुए अलग साइड से अगर एक रैंप अगर डालेंगे तो उसके लिए हम अग्री हैं करके कोर्ट में वो लोग अग्री करें कोर्ट में वो लोग पूरे लोग তো উসকে উন মে অলগ অলগ কুছ ডিফারেন্সেস আয়ে তো অলগ কুছ অলগ মিডিয়া কো গিয়া কুছ অর কুছ অলগ অলগ তরিকে সে তো আমারে পাস আয়ে তো আজ যাকে ভিজিট কি হ্যায় তো মে দেখা হুঁ তো 20 to 25 feet তক মসজিদ কো কোই নাই হ্যায় আর মসজিদ কো কিসি কিসম কা ভি কোই ধোকা নাই হ্যায় কিসি কিসম কা কোই রহা মসলা জাহাঁ পর খবর ও সার্ভিস রোড কা হ্যায় ওয়াহ পর তিন অপশনস হ্যায় ওয়াহ পর এক অপশন ইয়ে হ্যায় কে ও ফ্লাইওভার কো বাজুক সে ফ্লাইওভার কে বাজুক সে এক 10 feet কা एक 10 feet से 10 to 12 feet का एक रैंप बना के ऊपर से छोटा सा वो भी एक ब्रिज के जैसा बना के खबरों के ऊपर से लेके चले जाएंगे नीचे खबरें रहेंगे मस्जिद को कोई डिस्टर्ब नहीं है हुआ एक एक पार्टी का एक लोगों का प्रपोजल है दूसरा प्रपोजल ये है कि मस्जिद और फ्लाईओवर के बीच में से एक सर्विस रोड निकाल लीजिए अगर मस्जिद और फ्लाईओवर के बीच में से अगर आप हम मस्जिद फ्लाईओवर के बीच सॉरी मस्जिद और फ्लाईओवर के बीच में से एक सर्विस रोड निकालते हैं तो मस्जिद का तकरीबन कम से कम एक 10 feet का हिस्सा तोड़ना पड़ेगा तीसरा यह है कि वहां से हम सर्विस रोड को ही बंद कर देके अल्टरनेट दूसरा डाइवर्शन करने के लिए एक है तो इसमें मैं दो चीज़ के ऊपर वहाँ पे आज ऑफिसरों से बात किया हूँ और उनको यही बोला हूँ कि मैं आप ये सिर्फ मेन ब्रिज का काम कीजिए मेन ब्रिज के काम में भी कहीं पर भी पुराने मज़ारों को डिस्टर्ब नहीं होना है और वहाँ के जो ख़ानदान के लोग हैं उनको भी ऑफिसरों के सामने उनको भी हिदायत दीजिए कि आप जब भी वहाँ पर काम करेंगे आप ये लोग वहाँ पर ठहरेंगे और कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफिसर्स का ये हमारे अश्योरेंस था कि हम यहाँ पर जो भी काम करेंगे किसी किस्म के मस्टर यूज़ नहीं करेंगे हम मैनुअल काम करेंगे मैनुअल दीवार उठाएंगे ताकि खबरों को डिस्टर्ब ना हो और खबर को डिस्टर्ब होने का कोई वहाँ पर चांस नहीं है अब मेजर मसला जो आ रहा है वहाँ पर सर्विस रोड का आ रहा है सर्विस रोड का ये जैसा ख़त्म हो जाएगा ब्रिज का काम उसके बाद हम सर्विस रोड का देखेंगे हम तो वहाँ पर क्लियरली ऑफिसर्स को और सभी लोगों को जो ये डिमांड कर रहे थे कि वहाँ पर नीचे से आप सर्विस रोड बनाइए मस्जिद का हिस्सा कुछ टूटेगा तो भी कोई फ़र्क तो हमने उसको बिल्कुल नामंजूर कर दिया उसको ये आपको बाजू से एक छोटा ब्रिज बना लीजिए लेकिन मस्जिद का 1 feet भी हिस्सा मस्जिद का किसी भी किस्म से उसका स्ट्रक्चर का हाथ लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि चाहे कोई भी बनाओ वहाँ पर लोकल के लोग किसी ने हमारे दादा हमारे वालिद बनाए बल्कि क्लेम करे तो हमारा क्लियर स्टैंड था वहाँ पे एक बार मस्जिद बनती है एक बार खबरस्तान होता है तो चाहे कोई भी बनाओ उसका प्रोटेक्टर वक्फ बोर्ड होता है हम उसको हर तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे तो ऑफिसरों का भी हमारे और पूरे डिपार्टमेंट्स का आर एन बी का जी एच एम सी का
महकमे पुलिस का और कंट्रैक्टर के चारों के तरफ से वहाँ पर यह तयखुन दिया गया कि हम ये मेन ब्रिज से हट के मेन ब्रिज के बाद हम आपस में बैठ के एक कौन सा सूटेबल रहेगा, मस्जिद को डिस्टर्ब नहीं होना, लोकल के लोगों के भी एडवाइस भी अपने को उनके मद्देनज़र रखते हुए क्या सूटेबल होगा हम डिसीजन लेंगे। इसलिए अब मस्जिद को किसी किस्म का कोई धोखा नहीं है। जहाँ तक रैम का सवाल है, अगर रैम बनाना बेहतर रहेगा या कोई डाइवर्ट करना बेहतर रहेगा, अगर हम नीचे से वहाँ पर अगर सर्विस रोड बनाएंगे तो यकीनन मस्जिद का हिस्सा कुछ डिस्टर्ब होगा, हम उसके लिए अग्री नहीं है। और ऑफिसर्स भी उसके लिए बता देंगे सब आप लोग जैसा डिसीजन लेंगे हम उसके लिए हम करेंगे। यही आज मेरे दौरे का मकसद था।